जिन प्यारे दोस्तों आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पूरे बेसिक को कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपका जो बेसिक है इस चैप्टर का वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है। अब पॉलीगन कहते किसे हैं? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व्ड फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, सिंपल क्लोज कर्व्ड और लाइन सेगमेंट, इन दोनों से मिलकर पॉलीगन बनता है। और ट्रायंगल इज द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो ट्रायंगल है वो पॉलीगन है सबसे कम लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल की। अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है, नॉन पैरेलल का मतलब वर्ड इस्तेमाल इसलिए किया गया अगर क्योंकि पैरेलल होगा तो कभी आपस में मिलेंगी नहीं, और आपस में मिलेंगी नहीं तो फिगर क्लोज नहीं होगी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल क्या है इसकी? तो तीन साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी, ए सी। ठीक है, और तीन एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी भी डिनोटेड बाय एन एंगल ए। ठीक है, चाहे आप ए सी ए बी बोल दो या बी ए सी बोल दो, ठीक है, या इसको एंगल ए बी कहा जाता है। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का साइन वो है ये। ठीक है, एंगल का साइन। आगे चलिए, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल दो टाइप की होती हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सबसे पहले जब हम बात करें ऑन दिस बेसिस ऑफ साइड तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? ऐसी ट्रायंगल, अ ट्रायंगल विथ थ्री कॉन्ग्रुएंट इक्वल साइड्स एंड थ्री इक्वल एंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल इक्वल हों। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब हम ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इक्विलेटरल के हर एंगल का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री होगा, और जो तीनों ही साइडें होंगी वो क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। और ये जो मार्क लगाए गए हैं, सिंगल सिंगल लाइंस बनाई गई है, ये इक्वालिटी को मार्क करने के लिए, दिखाने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, अब जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल थी, इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो। ठीक है, ये वाली दो साइड भी इक्वल हो सकती हैं। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है कि ये वाली दो भी साइड इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, और जो दो साइड इक्वल होती हैं उन दोनों साइड के जो ऑपोजिट एंगल हैं, जैसे इस साइड के ऑपोजिट ये है, इस साइड के ऑपोजिट ये है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। स्केलिन ट्रायंगल, सबसे पहले हमने बात की कि तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर मैंने कहा कि कोई दो साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल कौन सी होती है जिसके कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, हैज़ नो कॉन्ग्रुएंट साइड। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों ही डिफरेंट है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, आपको साइड देकर एक एग्जांपल देता हूँ, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, क्या इन तीनों साइड से कोई ट्रायंगल बन सकता है? तो आपको कुछ नहीं करना, किन्हीं भी दो साइड को जब हम प्लस करते हैं तो वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, 2 + 3 को किया तो 5 आ रहा है, और ये 5 इस थर्ड साइड के इक्वल आ गया, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम बड़ा आना चाहिए हमेशा, इक्वल या लेस देन नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है जिसके तीनों ही एंगल क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि वो सभी एंगल 90 डिग्री से लेस होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक एंगल इसका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, एक 40 डिग्री हो गया और एक 80 डिग्री हो गया, तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं राइट ट्रायंगल की। राइट एंगल से आपको याद रखना है, तो ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल एग्जैक्टली वन एंगल 90 डिग्री का हो, जैसा कि दिस बॉक्स इंडिकेट द राइट एंगल।
जहाँ जहाँ पर भी आपको ऐसे बॉक्स लगा हुआ दिखे, ट्रायंगल में मिल जाए, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर भी ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बाकी दोनों एक्यूट होंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल होता कौन सा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से कम होगा, 180 से छोटा होगा। तो कहने का मतलब है, कोई वन एंगल मान लीजिए 110 डिग्री हो गया, एक 30 डिग्री हो गया और दूसरा 40 डिग्री, तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से पहले दो कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है एटीट्यूड, एक होता है मीडियन। जब एटीट्यूड क्या होता है, जब हम किसी वर्टेक्स मान लीजिए ए बी सी है, जब हम वर्टेक्स ए से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसके ऑपोजिट वाली साइड पर, ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, हमने उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जब ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, तो इस लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने से अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसको कहते हैं एटीट्यूड, जिसको हम कहीं कहीं हाइट भी कहते हैं, ठीक है। और सेम कंसेप्ट में अगर आप एक वर्टेक्स ए से बी सी के ऊपर कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि बी सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसको हम कहेंगे मीडियन। फॉर एन एग्जांपल, शुरू में मान लीजिए बी सी 6 सेंटीमीटर की थी, पर ए डी के बनाने के बाद बी डी भी 3 हो गई और डी सी भी 3 हो गई, तो इसको हम कहते हैं मीडियन। क्लियर। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की, एंगल सम प्रॉपर्टी है इसका नाम, जो अभी बताकर हटाऊं कि ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, ना तो इससे कम होगा, मान लीजिए 179 डिग्री नहीं हो सकता, और ना ही 181 डिग्री, ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एएसपी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, ऐसा एंगल जो बाहर बन रहा हो, ठीक है, ट्रायंगल से, तो यहाँ पर जो एंगल वन है वो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, एंगल 2, 3 और 4 ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल 2, 3 और एंगल 4 को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसी तरह एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, द मेजर ऑफ एन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स टू रिमोट इंटीरियर एंगल या टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर। फोर के साथ आप यहां पर जो वन किसके इक्वल होगा, 2 और 3 के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। फोर क्या होगा, इसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल होगा। तो या आप ऐसा कह सकते हो, जिस एंगल के साथ लीनियर पेयर बन रहा है उसको आपने नहीं लेना है, ठीक है, उस एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल जो उससे दूर बन रहे हैं ट्रायंगल में, वो उन दोनों के सम के इक्वल कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल कहीं भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं जैसे यहाँ वन बना है तो यहीं बने, एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी बन सकता है, ठीक है, यहाँ भी बन सकता है, तो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के बाहर कहीं भी बन सकता है। अगर यहाँ 5 पर बनेगा तो वो किसके इक्वल होगा, 4 प्लस 3 के। अगर यहाँ एक बनेगा 6 पर तो वो किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 4 के। तो एडजेसेंट वाला एंगल आपने नहीं लेना है। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसके ये भी इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी अभी मैंने पीछे बताया था कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल का साइड अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसे लाइन लगी हुई है तो इक्विलेटरल है, अगर नहीं लगी हुई तो कोई सी भी ट्रायंगल हो सकती है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मान लीजिए यहाँ मैं अगर ए बी और बी सी को प्लस करूँ तो थर्ड साइड कौन सी बची, ए सी। इन दोनों का सम हमेशा ए सी से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, ये जो साइन है ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता। अगर इक्वल आएगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई सी भी दो साइड ले लीजिए, चाहे आप ए सी प्लस बी सी ले लीजिए तो ए बी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो किन्हीं भी दो साइड को अगर आप प्लस करते हैं तो हमेशा उसका सम थर्ड साइड के मेजरमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। आगे चलते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 8th 9th 10th सब जगह ये यूज़ होने वाली है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती किस में है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बी पर 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और इसके साथ जो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट बन रहे हैं एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमेशा जो सबसे बड़ी साइड होगी वो 90 डिग्री के सामने वाली होगी, उसको इक्वल के एक साइड रखकर बाकी दो साइडों का स्क्वायर आपने प्लस कर देना है। यही क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, अब इस कंसेप्ट पे चलने से पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दो वर्ड आपको सुनने में मिलेंगे। सिमिलर का मतलब है कि आपके पास दो शेप्स हैं, दो वर्ड आपको याद रखने, शेप और साइज। अगर तो शेप सेम है और साइज डिफरेंट है जैसा कि इस फिगर में है तो उनको हम सिमिलर कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए कि जो शेप है वो भी सेम होनी चाहिए और साइज या एंगल्स वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप 10 रुपीज़ के कॉइन के ऊपर 5 रुपीज़ का कॉइन रखेंगे तो आपको नीचे का 10 रुपीज़ का कॉइन दिखाई देगा, तो मतलब ये दोनों कॉइन क्या हो गए, सिमिलर हो गए। पर अगर आप 5 रुपीज़ के कॉइन के ऊपर दूसरा 5 रुपीज़ का कॉइन रखेंगे तो आपको नीचे वाला कॉइन दिखाई नहीं देगा, तो इसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। क्लियर। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है आइडेंटिकल। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, इक्वल साइड्स हों, एंगल इक्वल हों और एरिया इक्वल हो। ठीक है, और अगर एक को दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो एग्जैक्टली कवर कर लें, जैसा कि अभी मैंने 5 रुपीज़ के कॉइन का एग्जाम्पल दिया। सिमिलैरिटी जो सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का वो ये है, वाला सिंबल का मतलब होता है सिमिलर, मतलब जो उनकी शेप है वो सेम होगी, और नीचे वाले का मतलब है जो उनका साइज है वो इक्वल होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है, चलिए आगे केस वन देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। हम कब कब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, जब तीनों ही साइड इक्वल हों। जैसे इस केस में यहाँ पर वन लाइन लगी है, यहाँ पर वन लाइन लगी है, मतलब बी सी एफ डी के इक्वल हो गया। यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पर दो लाइन है, मतलब ए बी ई डी के इक्वल हो गया। यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है, मतलब ए सी ई एफ के इक्वल है। कई बार वो क्वेश्चन पेपर में लिखते नहीं हैं, ऐसे लाइनें लगा देते हैं, तो आपको इससे समझना है कि कौन सी लाइन किसके इक्वल है। ठीक है, अगली केस टू की बात करें। पहले हमने बात की ट्रिपल एस, मतलब जब तीनों ही साइड इक्वल हो। इस केस में हम बात कर रहे हैं कि इसकी दो साइड और एक एंगल इक्वल है। ठीक है, ये वाली दो साइड इक्वल हो गई और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, अगर आपके किसी ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल भी इक्वल आ जाता है तो वो ट्रायंगल क्या मानी जाती है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, केस थ्री। पहला हमने पढ़ा तीनों ही साइड इक्वल हो जाए, फिर हमने पढ़ा दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए। अब हम करेंगे कि दो एंगल और एक साइड हो जाए। ठीक है, किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, और एक साइड इक्वल हो जाए, तो उसको तब भी हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए केस फोर। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, द हाइपोटेन्यूज एंड द अदर साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर राइट एंगल, द हाइपोटेन्यूज ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो हमेशा इक्वल होंगे। जैसे कि ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये वाली अगर इक्वल हैं साइडें तो वो हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो तीनों साइड इक्वल हो जाएं, या दो साइड एक एंगल इक्वल हो जाएं, दो एंगल एक साइड हो जाए, या तीनों एंगल इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो अब भी ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट मानी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।
इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई टॉपिक रह गया हो, आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेसिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।